आज पूरा देश देख रहा है। हमारे देश का किसान कड़ी ठंड में रात को आसमान के नीचे खुली सड़क पे सो रहा, ये सोच के सारी रात नींद नहीं आती। ये लड़ाई सिर्फ हमारे किसान भाइयों की नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जरा सोचिए, जो दो वक्त की रोटी हम खाते हैं वो हमारे किसान भाइयों की मेहनत की उगाई हुई होती है। हम सबको इस लड़ाई में अपने किसान भाइयों का साथ देना है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पर आरोप लगाया कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए, इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पर कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है? क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? कैप्टन साहब, आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे। आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नहीं रोके। आज दिल्ली की सरहद पे पंजाब का किसान है और देश की सरहद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह जी दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखबीर सिंह बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया। इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान माँ बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देशभक्त किसानों का साथ दे। मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है, कोई राजनीति नहीं करनी, सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतीय बनके किसानों की सेवा करनी है। राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बस सेवादार बनके सेवा करो। हमें इस इनकलाब का ना राजनीतिकरण करना है और ना इस इनकलाब का राजनीतिकरण होने देना। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं और MSP की गारंटी को कानून में डाला जाए। जय हिंद।